लग गई है पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत। मॉस्को कूच कर रहे वैगनर ग्रुप ने किया फील्ड कैंप का रुख। была достигнута договоренность о том, что ЧВК Вагнер вернется в свои лагеря расположения. बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने की वैगनर चीफ से बात। रूस के वो फौजी जिनके दम पर सदर पुतिन यूक्रेन जंग जीतने का दावा कर रहे थे, वो वैगनर ग्रुप जो रूस के सबसे फुकार लड़ाके माने जा रहे थे, उन्होंने बगावत की तो मॉस्को की सड़कों पर दहशत का माहौल कायम हो गया। क्रेमलिन के आसपास टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां नजर आने लगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। क्रेमलिन की ओर आने वाले रास्तों पर वैगनर लड़ाकों को रोकने के लिए गड्ढे खोद दिए गए। कई महीनों से रूस की पेशेवर फौज की क़यादत के खिलाफ बोलने वाले वैगनर सरबरा येवगेनी प्रिगोजिन खुली बगावत कर देंगे, वो भी उस वक्त जब यूक्रेन पलटवार पर है। ये किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन रूस पर मंडराए इस सबसे बड़े खतरे पर संकट मोचन बनकर आए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। उन्होंने वैगनर सरबराह से बात की, जिसके बाद वैगनर लड़ाके जो मॉस्को की ओर कूच कर रहे थे रुक गए। येवगेनी ने ऐलान किया कि वो अपने फैसले में बदलाव कर रहे हैं, अब मॉस्को की ओर कूच ना करके अपने फील्ड कैंपों में वापस जा रहे हैं। हम रूसी खून नहीं बहाना चाहते हैं। वैगनर लड़ाकों के वापस कैंप लौटने की खबर के बाद रूसी वजारत दीफा ने बयान जारी किया। देश में मुसल्लह बगावत की कोशिश को रूसी समाज ने खारिज कर दिया है। सभी सदर पुतिन की हिमायत करते हैं। साजिशकर्ता का उद्देश्य उसी संघ की कोशिश को कमजोर करना है। बगावत रूस के बाहरी दुश्मनों के हाथों में। इससे पहले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने सदर पुतिन को इख्तदार से उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। Мы находимся в штабе 7 часов 30 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, самолеты, которые уходят для... लेकिन इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति ने बीच बचाव किया। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को इसके लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि रूसी सदर ने विश्वासघात करने वालों को सख्त सजा देने की बात कही थी। Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства. कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में वैगनर चीफ के पास करीब 25,000 लड़ाकों की फौज है। इनका जुनूबी रूस के शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन पर कंट्रोल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो प्रिगोजिन कभी व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में गिने जाते थे, वो बगावत पर उतरा। दरअसल वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा किया, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट रूसी आर्मी ने लिया। वहीं यूक्रेन से जंग में वैगनर लड़ाकों को जरूरी गोला बारूद ना मुहैया कराने का भी आरोप लगाया गया। रूस के हालात पर यूक्रेन समेत मगरबी मुल्क करीबी नजर बनाए हुए हैं। रूसी सेना, रूसी रक्षा मंत्रालय और वैगनर ग्रुप के बाद जो के बीच में जो विवाद था, वो सबसे ज्यादा तब बाहर आया जब मई में बैखमुत शहर की लड़ाई के दौरान वैगनर ग्रुप ने रूसी रक्षा मंत्रालय को उसको मदद देने, पैसे देने और हथियार देने में नाकामयाब होने का आरोप लगाया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने निशाना साधते हुए कहा, जो भी बुराई का रास्ता चुनता है वो खुद को नष्ट कर लेता है। लंबे समय तक रूस ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए झूठी तशहीर की। रूस जितनी देर तक अपनी फौज और भाड़े के फौजियों को हमारी जमीन पर रखेगा, उसे उतनी ही ज्यादा बदअमनी, दर्द और मसाइल होंगे। यूक्रेन इस वक्त जंग में रूस पर पलटवार कर रहा है। मगरिबी मुल्कों की मदद से वो रूस के कब्जे वाले कई शहरों को फिर से हासिल करने का दावा कर रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने इस वक्त यूक्रेन के साथ वैगनर बगावत को कुचलना सबसे बड़ी चुनौती है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।